विक्रांत, आज सत्र की शुरुआत महुआ मोइत्रा को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आज, अब जबकि कार्रवाई शुरू होने वाली होगी? देखिए, बिल्कुल अभी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, अब से कुछ ही देर बाद 10:15 के करीब प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। जब भी नया सत्र शुरू होता है तो पीएम आ करके मीडिया से बात करते हैं, जो गेट है वहीं से अंदर घुसने से पहले मुलाकात करते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो सत्र है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, विपक्ष उसमें पूरा सहयोग करे। तो कोशिश ये होगी सरकार की। इस बार का सत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष को ये उम्मीद थी कि वो इन विधानसभा चुनावों में कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जीतने की उम्मीद थी, बड़ी हार मिली वहां पर। राजस्थान में कांग्रेस को लग रहा था कि करीबी मुकाबला रहेगा, वहां पर बीजेपी बड़े आराम से सरकार बनाती है। और मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो वहां पर जीतकर सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी को वहां पर बंपर जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। तो एक तरह से विपक्ष के पूरे मंसूबे पीछे रह गए और जो उन्होंने सोचा था कि इस सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, एक मोराल जरूर डाउन होता है। सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन वहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक नहीं था। बीजेपी ने अपना मत प्रतिशत वहां पर दोगुना किया और सीटें भी कई बढ़ी है वहां पर। और जो सीएम केसीआर है और जो होने वाले प्रोबेबल सीएम है रेवंत रेड्डी, उनको हराया है बीजेपी के उम्मीदवार ने। तो साफ बात है कि बीजेपी इन चुनाव नतीजों से बेहद उत्साहित है और इस शीतकालीन सत्र में आज जब रिपोर्ट टेबल होगी तो विपक्ष की तरफ से बिल्कुल हंगामा हो सकता है, क्योंकि महुआ मोइत्रा को के खिलाफ कार्रवाई की बात रिपोर्ट में कही गई है और उसके बाद विपक्ष करने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी नतीजों ने विपक्ष का मोराल जरूर डाउन किया, 2024 से पहले बीजेपी का मोराल तो हाई है और शीतकालीन सत्र में ये जो हाई मोराल है, मोराल बूस्टर के तौर पर ये जीत जो काम कर रही है, उसका असर शीतकालीन सत्र पर किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी इस समय, बीजेपी का अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर तीन राज्यों की जीत, जिन तीन राज्यों की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कोई आसान राज्य नहीं थे। सिर्फ राजस्थान में कहा जा रहा था कि बीजेपी को एज है, सरकार आसानी वो बना सकती है, लेकिन बाकी दोनों जगह बहुत ही मुश्किल मुकाबला था। मध्य प्रदेश को लेकर कई तरह के कयास राजनीतिक पंडित लगा रहे थे, लेकिन 150 के करीब का बहुमत किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतनी बड़ी जीत वहां पर बीजेपी को मिली है। निश्चित तौर पर इन सब जीत का असर मिलता है और कल प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया, कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, आज वो हाउस में भी आएंगे। हालांकि शाम को प्रधानमंत्री का सिंधुदुर्ग जाने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आज नेवी डे सेलिब्रेशन में वो शामिल होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष जो कोशिश कर रहा था कि 24 के चुनाव से पहले ये शीतकालीन सत्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे उसका मोराल बूस्ट करेंगे और वो एक आक्रामक तरीके से यहां पर आएंगे, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी बड़ी बात, जो विपक्ष के गठबंधन को लेकर के लगातार चर्चाएं थी, इस पूरे चुनाव के दौरान गठबंधन की चर्चाएं पीछे छूट गई। गठबंधन के कई सहयोगी नाराज हैं, अखिलेश के साथ जिस तरीके का व्यवहार, अखिलेश और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके की बातचीत, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इन चुनाव में देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के गठबंधन में भी एक बड़ी रार आते हुए दिखाई दे रही है। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और यहां एक बड़ा घमासान भी देखने मिल सकता है 2024 के, लेकिन लोकसभा चुनाव का रुझान कल ही देश ने देख लिया है और तीन राज्यों में बीजेपी की जीत की हैट्रिक ने अब 2024 के लिए दिल्ली में भी हैट्रिक की तस्वीर साफ कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों ने यह बता दिया है कि अब भी इस देश में जीत की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। एक अकेला सब पर भारी है, दूर दूर तक न कोई दल है न कोई चेहरा, और मोदी का मुकाबला कोई कर सके ऐसा कोई चेहरा अभी विपक्ष के पास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। कल आए परिणाम कुछ इसी ओर संकेत करते हैं। कल से कम से कम तीन राज्यों में जो नतीजे आए हैं वो ये साफ करते हैं, जो पीएम मोदी ने दावा किया कि ये एक बार फिर हैट्रिक की तस्वीर है। नतीजे ऐसे वक्त में आए हैं जब 2024 के चुनाव में अब महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, और ऐसे में आपको बताएं कि तीन राज्यों में नई सरकार बनाने की हलचल भी अब तेज हो गई है। और ऐसे में राजस्थान की सबसे पहले बात करें तो राजस्थान से सीपी जोशी और अरुण शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है और माना यह जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज ही कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तीन राज्यों में जीत बीजेपी को मिली है, जाहिर तौर पर यह 2024 की जीत का गेटवे माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये जो हैट्रिक जीत की अकल लगी थी वो अब 2024 का भी परिणाम साथ में लेकर आएगी।
लोकसभा चुनाव का रुझान कल जिस तरीके से देश ने देखा है, तीन राज्यों में बीजेपी के जीत की हैट्रिक ने 2024 के लिए दिल्ली में भी हैट्रिक की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। राज्यों का परिणाम 2024 का रुझान कहीं ना कहीं तय करता है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बहुमत बीजेपी को मिला है, यतीन्द्र राजस्थान की हलचल तेज हो गई और खबर यह कि आज ही नाम का ऐलान भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, सीएम का नाम कौन हो सकता है? देखिए प्रशांत, जो बीजेपी की कार्यशैली अगर हम देखेंगे तो बीजेपी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। वहां पर कोई एक या दो लोग मिलकर चेहरा तय नहीं करते सरकार बनने की स्थिति में, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑब्जर्वर के नाम तय करता है और ऑब्जर्वर ही जो विधायक दल की बैठक होती है संबंधित राज्य में जाते हैं, वहाँ पर विधायक दल की बैठक में वो नाम का प्रस्ताव रखते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से जो नाम आता है उसको रखते हैं और उस पर सहमति बनती है तो उसको नेता चुना जाता है, यानी कि उसे सीएम फेस चुना जाता है। लेकिन जहाँ तक आप राजस्थान की बात करें, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, अभी एक दो दिन तक कोई भी नाम तय नहीं किया जाएगा। अभी सबसे पहले ऑब्जर्वर के नामों की घोषणा की जाएगी और जो नेताओं को बुलाने की बात चल रही है कि दिल्ली बुलाए गए, ये वो नेता हैं जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के, ये संसद सत्र चल रहा है और संसद सत्र की वजह से उनका दिल्ली पहुंचना लाजमी है क्योंकि संसद सत्र आज से शुरू हुआ है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की आप सीएम फेस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, या तो ओबीसी चेहरे में से लाएंगे, ट्राइबल चेहरे में से। ट्राइबल चेहरे में गौतमी साय एक बड़ा नाम है जो सांसद भी है और विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं दूसरा नाम प्रदेश अध्यक्ष जो विष्णुदेव साय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी ट्राइबल एरिया में से आते हैं। और ओबीसी में ओपी चौधरी हैं जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इस बार चुनाव जीते हैं, बड़ा चेहरा ओबीसी के तौर पर जाना जाता है और विजन को लेकर भी जाने जाते हैं, रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब भी बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सांसद है और इस बार विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। तो ये चार पांच नाम के आसपास ही कोई एक सीएम फेस, और यानी ये एक दो दिन में यह तस्वीर पूरी तरह से साफ होती दिखाई देगी कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन अपने चुनावी अभियान और रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 जिलों के करीब 250 विधानसभा सीटों को कवर किया था और इन विधानसभाओं में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट करीब 70% ही रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन इलाकों में बीजेपी ने 76 नई सीटें जीती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को देश के युवाओं के सपनों और संकल्प से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हर सपने को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है।